हेलो नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू द एजुकेशनल चैनल ऑफ बॉटनी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। गाइज, आज मैं आपको एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी के जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाली हूँ, पेपर फोर्थ के, जो कि है आपका बायोमोलिक्यूल्स एंड स्ट्रक्चरल बायोलॉजी। इससे पहले मैंने आपको पेपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सभी के जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दिए। सो यदि आपने चेक नहीं किए तो चेक कर लीजिएगा, सेपरेट मैंने आपको प्लेलिस्ट बना दी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। जैसा कि मैं आपको हर एक वीडियो के अंतर्गत बताती हूँ, सबसे पहले जाकर आप अपना पेपर फोर्थ का सिलेबस चेक करना। यदि आपका सिलेबस मैच हो तभी आप पेपर फोर्थ के अंतर्गत जो जो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूं उनको कवर करना, अदरवाइज बिल्कुल भी मत करना। तो सबसे पहले जाकर आप अपना सिलेबस जरूर चेक करें। आई बटन पर आपको लिंक दिख रही है, वहां से जाकर आप डायरेक्टली क्लिक करके सिलेबस चेक कर लीजिए, देन इसके बाद आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना, ठीक है। इसका जो 2024-25 का न्यू और ऑथेंटिक सिलेबस है वो मैंने आपको अपलोड कर दिया है। तो सबसे पहले जाकर आप अपना सिलेबस जरूर चेक करें, मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिए। तो आज का जो पेपर फोर्थ है इसका मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाली हूँ, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट कहते हैं हिंदी में बताइए, काफी सारे स्टूडेंट कहते हैं इंग्लिश में बताइए, इसलिए हम जो है वो बाइलैंग्वल लेकर चलेंगे और दोनों ही लैंग्वेज में मैं आपको हिंदी और इंग्लिश में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाली हूँ, ठीक है। तो पेपर फोर्थ, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो कि आपका बायोमोलिक्यूल्स एंड स्ट्रक्चरल बायोलॉजी एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी के अंतर्गत, इसके अंतर्गत आपकी 5 यूनिट दी गई हैं, एक एक करके हम पांचों ही यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले। पेपर फोर्थ जो है इसका पीडीएफ मैंने आपको टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया है, तो चेक कर लीजिएगा, जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं दूंगी उसके मैक्सिमम आंसर आपको जो है वो उस पीडीएफ में मिल जाएंगे, जो कि मैंने आपको टेलीग्राम पर अपलोड किया है। तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए, वहां पे जाकर आप टेलीग्राम को चेक कर लीजिएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, देन जो पीडीएफ मैंने आपको पेपर फोर्थ का अपलोड किया है उसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पेपर फोर्थ के। सबसे पहली जो यूनिट है इसके अंतर्गत पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, पीएच एवं पीके को परिभाषित कीजिए एवं इसके महत्व को समझाइए। 100% ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, पीएच और पीके दोनों में से एक क्वेश्चन। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है, डिफाइन पीएच एंड पीके, एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट है आपका पीएच और पीके दोनों को कर लेना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है आपका, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, वाटर यानी जल। जल का जो कंप्लीट टॉपिक है ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगी, डायरेक्ट जाकर चेक कर लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका, प्रीवियस ईयर भी बना था और 2-3 बार से कंटिन्यू रिपीट हो रहा है वाटर से आपका एक क्वेश्चन। तो वाटर के अंतर्गत आपको क्या क्या करना है, वाटर के गुण कर लेना है, वाटर के महत्व यानी सिग्निफिकेंस कर लेना है, विशेषताएं कर लेनी है यानी कैरेक्टराइटिक्स कर लेने, फिजिकल और केमिकल दोनों यानी भौतिक और रासायनिक दोनों विशेषताएं आपको कर लेनी है, उपयोग यानी यूजेस कर लेने, प्रकृति यानी इसकी जो नेचर है वो देख लेना है, स्ट्रक्चर यानी संरचना देख लेना है, टाइप्स यानी प्रकार देख लेना है। तो ये सारे के सारे टॉपिक आपको कवर कर लेना है वाटर के अंतर्गत, आपको मैंने अपलोड कर दिया है वाटर पूरा का पूरा कंप्लीट टॉपिक, सो चेक कर लीजिएगा, प्रॉपर नोट्स बना लीजिएगा, नोट्स भी मैंने आपको प्रोवाइड किए हुए हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो जो आपका थर्ड क्वेश्चन है ये है आपका अमीनो एसिड से रिलेटेड, अमीनो एसिड क्या होता है, इसके कार्य, गुण एवं किन्हीं 10 जो आपके अमीनो एसिड होते हैं उनका वर्णन आपको करना है। 20 टाइप्स के आपके अमीनो एसिड बेसिकली होते हैं, जिसमें से आप किन्हीं 10 को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इंग्लिश में कहेंगे कि व्हाट इज अमीनो एसिड प्रॉपर्टीज फंक्शन एंड एक्सप्लेन एनी 10 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड, ठीक है। तो जो आपका अमीनो एसिड है ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, तो मैक्सिमम क्वेश्चन के आंसर के एक्सप्लेनेशन भी आपको चैनल पर मिल जाएंगे विद आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो कोई भी आपको क्वेश्चन में दिक्कत आए तो आप चैनल पर सर्च मार लीजिएगा, सर्च मारिएगा और बॉटनी अड्डा लिख दीजिएगा, आपको जो है वो एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। और जिस भी क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन ना मिले, आपको दिक्कत आए तो मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा, मैं उसको आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगी, ठीक है। इसके बाद आता है आपका फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन बनेगा।
सबसे पहला है न्यूक्लियोटाइड, दूसरा है आपका पेप्टाइड्स और तीसरा है आपका बायो नैनो कण यानी बायो नैनो पार्टिकल्स। यहाँ से जो आपका बायो नैनो पार्टिकल्स, पेप्टाइड और न्यूक्लियोटाइड एक क्वेश्चन बनेगा जो कि आपका 2 मार्क्स का बनेगा। तो न्यूक्लियोटाइड मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, पेप्टाइड मैंने आपको एक्सप्लेन किया, बायो नैनो पार्टिकल्स मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किए। तो यदि आपको चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट करके बता देना, इसको भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। बाकी न्यूक्लियोटाइड और पेप्टाइड का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा चैनल पर। इसके बाद नेक्स्ट और फिफ्थ क्वेश्चन है आपका बफर बिलियन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। बफर सॉल्यूशन से आप क्या समझते हैं, एक्सप्लेन कीजिए, व्हाट आर बफर सॉल्यूशन, एक्सप्लेन बफर सॉल्यूशन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट और सिक्स नंबर का क्वेश्चन है जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब यानी वर्णन कीजिए। सबसे पहला है वीक बॉन्ड, दूसरा है फ्री एनर्जी, तीसरा है एसिड बेस, चौथा है मोनोसैकेराइड, पांचवा है ओलिगोसैकेराइड, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और यहाँ से मोनोसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। साथ ही साथ जो फ्री एनर्जी है, एसिड बेस है और जो आपके वीक बॉन्ड है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। तो मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, ये सभी कुछ आपको चैनल पर मिल जाएंगे। तो ये 6 क्वेश्चन आपको यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत कवर करना है। मैक्सिमम क्वेश्चन के आंसर चैनल पर मिल जाएंगे, अलग से मैंने PDF भी आपको टेलीग्राम पर जो है वो अपलोड किया हुआ है, कुछ वहां पर मिल जाएंगे। यानी कि आपके पेपर 4th के अंतर्गत आने वाले सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएंगे, कुछ आपको चैनल पर मिल जाएंगे एक्सप्लेनेशन के साथ, नोट्स के साथ, और कुछ के लिए मैंने आपको टेलीग्राम पर PDF शेयर किए, उसमें मिल जाएंगे। तो आशा करती हूँ आप सभी कुछ समझ गए होंगे। फिर भी यदि आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो मुझे नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उसका भी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। तो अब हम देखते हैं यूनिट 2nd के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जो आपकी यूनिट 2nd है, इसके अंतर्गत आपका प्रोटीन दिया गया है, ठीक है। प्रोटीन, DNA, RNA, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये सारी प्रोसेस दी गई है। तो फिर मैं आपसे यही कहूंगी कि यूनिट 2nd के अंतर्गत भी आने वाले मैक्सिमम क्वेश्चन के आंसर आपको चैनल पर मिल जाएंगे। जैसे कि सबसे पहला है प्रोटीन, प्रोटीन को मैंने आपको कवर किया हुआ है, आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगी, देख लीजिएगा, ठीक है। प्रोटीन क्या होता है, इसके कार्य, इसके स्रोत, इसके प्रकार, इन सभी का वर्णन कीजिए। साथ ही साथ जो यूकैरियोट्स होते हैं, इनमें प्रोटीन का संश्लेषण कीजिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसके अलावा जो प्रोटीन के स्ट्रक्चर है, प्राइमरी प्रोटीन का स्ट्रक्चर, सेकेंडरी प्रोटीन का स्ट्रक्चर, टर्सरी प्रोटीन का स्ट्रक्चर और जो क्वार्टरनरी प्रोटीन है इसका स्ट्रक्चर, ये सारे स्ट्रक्चर आप देख लीजिएगा, ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रोटीन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका DNA को एक्सप्लेन कीजिए। इसमें आपको DNA से रिलेटेड सभी कुछ करना है, DNA का स्ट्रक्चर, DNA के सिग्निफिकेंस, DNA की फुल फॉर्म, सभी कुछ आपको देख लेना है। साथ ही मुझे नीचे कमेंट करके भी बताना है DNA की फुल फॉर्म, मैं चेक करूंगी किस किस ने मुझे DNA की फुल फॉर्म और RNA की फुल फॉर्म बताइए, ठीक है। तो DNA और RNA दोनों की फुल फॉर्म मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो DNA का स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, DNA रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस देख लीजिएगा, DNA रेप्लिकेशन देख लीजिएगा, DNA डैमेज एंड रिपेयर देख लीजिएगा, ये भी आपको मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, DNA की सारी प्रोसेस और DNA पूरा का पूरा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है DNA वर्सेस RNA को समझाइए, यानी DNA और RNA से 2 क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में। सबसे पहला DNA और RNA में आपका अंतर बनता है, दूसरा DNA और RNA का जो डबल हेलिक्स मॉडल है ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तीसरा DNA RNA दोनों का स्ट्रक्चर आपके एग्जाम में पूछा जाता है और इसका सिग्निफिकेंस वगैरह ये सभी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा इसके जो कॉम्पोजिशन है वो भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको DNA RNA से कवर करना है और एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया हुआ है होमवर्क, आप मान सकते हैं कि DNA और RNA की फुल फॉर्म क्या होती है, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। इसके बाद 5th क्वेश्चन है आपका मेम्ब्रेन लिपिड का वर्णन कीजिए, इसके फंक्शन, इसके स्ट्रक्चर, इन सभी का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो डिस्क्राइब मेम्ब्रेन लिपिड एंड इट्स फंक्शन, स्ट्रक्चर एंड इंपॉर्टेंस, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट और 6th नंबर का क्वेश्चन है जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन कीजिए या फिर टिप्पणी लिखिए। सबसे पहला है मेम्ब्रेन चैनल एंड पंप्स, दूसरा है आपका प्रोटीन फोल्डिंग एंड डीनेचुरेशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है आपके दोनों के दोनों, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये 6 से 7 बेसिकली आपको सारे क्वेश्चन कवर करना है यूनिट 2nd के अंतर्गत, जिसके आंसर आपको चैनल पर मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद अब हम चलते हैं यूनिट 3rd की तरफ। तो जो आपकी यूनिट 3rd है,
इसमें भी मैं आपको 5 से 6 क्वेश्चन बताऊंगी। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका टिप्पणी लिखिए यानी एक्सप्लेन कीजिए, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। यहाँ से 2 प्रोसेस आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगी और ये सारी प्रोसेस मैंने आपको एक्सप्लेन की हुई है। घबराइएगा मत, कहीं पर आपको कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। चैनल पर जाइएगा, चेक कर लीजिएगा। सबसे पहली आपकी ग्लाइकोलिसिस अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन की है, विथ नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड किए हुए हैं। दूसरा है आपका ग्लूकोनियोजेनेसिस, तीसरा है आपका सिट्रिक एसिड साइकिल, इसको भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। चौथा है आपका ETS यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इसको भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। और पांचवा है आपका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। सारी प्रोसेस आपको चैनल पर मिल जाएंगी, चेक कर लीजिएगा, जिसमें आपके ग्लाइकोलिसिस, ETS और सिट्रिक एसिड साइकिल, इन 3 में से 1 प्रोसेस जरूर पूछी जाएगी, 5 नंबर की आपकी, ठीक है। तो चेक कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिस्क्राइब प्रोटीन मेटाबॉलिज्म एंड इट्स रेगुलेशन, यानी प्रोटीन का चयापचय और इसके विनिमय को समझाइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट और 3rd नंबर का क्वेश्चन है आपका डिस्क्राइब फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म एंड इट्स सिंथेसिस, यानी जो फैटी एसिड होते हैं इनके चयापचय की प्रोसेस और इनके संश्लेषण की प्रोसेस को समझाइए। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन। देन इसके बाद 4th क्वेश्चन है आपका टिप्पणी लिखिए। सबसे पहला है ATP संश्लेषण यानी ATP सिंथेसिस, दूसरा है आपका सेल्युलर ऊर्जा संसाधन यानी सेल्युलर एनर्जी रिसोर्सेज, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये जो मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ इसके अंतर्गत मैंने आपके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर किए हुए हैं, जो कि आपके पहले के जो 4-5 साल के आपके जो पेपर हुए हैं उनके अंतर्गत पूछे गए, ठीक है। तो इनको यदि आप कवर कर लेंगे, प्रत्येक यूनिट से 7 से 8 क्वेश्चन, इसके अंतर्गत आपके पिछले जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी कवर हो जाएंगे, आगे आने वाले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी कवर हो जाएंगे। समझ रहे हो कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ। देन इसके बाद लास्ट और 5th नंबर का आपका क्वेश्चन है यूनिट 3rd के अंतर्गत, एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ लिपिड स्टोरेज यानी लिपिड भंडारण के महत्व को समझाइए, ये भी आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये 5 से 6 क्वेश्चन आपको कवर करना है यूनिट 3rd की तरफ। इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने आपको बताया है टिप्पणी लिखिए, इसको अच्छे से कर लीजिएगा, जिसमें भी मैं आपको 3 इंपॉर्टेंट बता ही देती हूँ। सबसे पहला है ग्लाइकोलिसिस, दूसरा है आपका सिट्रिक एसिड साइकिल और तीसरा है आपका ETS यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इन 3 को तो बिल्कुल मत छोड़िएगा, 5 नंबर का क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, 3 के 3 आप अच्छे से जाकर चेक कर लीजिएगा, इजीली आपको समझ में आ जाएंगे, गारंटेड मैं आपसे बोल रही हूँ, ठीक है। तो ये जो 6 क्वेश्चन मैंने आपको बताए, 5 से 6 क्वेश्चन, इनको आपको कवर कर लेना है यूनिट 3rd के अंतर्गत। इसके बाद अब हम चलते हैं यूनिट 4th की तरफ। तो जो आपकी यूनिट 4th है इसके अंतर्गत सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में RNA संश्लेषण को समझाइए। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में प्रोटीन का संश्लेषण को समझाइए। तो ये जो आपका 1st और 2nd क्वेश्चन है इसको ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की प्रोसेस भी कहते हैं, और यहाँ से एक जो आपका क्वेश्चन है वो पूछा जाएगा डायरेक्ट 5 मार्क्स का, चाहे RNA संश्लेषण पूछ ले, चाहे प्रोटीन संश्लेषण पूछ ले, यानी ट्रांसक्रिप्शन पूछ ले या ट्रांसलेशन पूछ ले, दोनों में से एक क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। देन इसके बाद आपका 3rd क्वेश्चन है RNA स्प्लाइसिंग क्या होती है समझाइए, डिफाइन RNA स्प्लाइसिंग, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर का आपका क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट और 4th नंबर का क्वेश्चन है आपका प्यूरीन पिरिमिडीन और कोलेस्ट्रॉल का जैव संश्लेषण समझाइए। तो मैं आपको बता देती हूँ जो जैव संश्लेषण है, यहाँ से मैं आपको 4 क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगी, जैव संश्लेषण आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जैव संश्लेषण से रिलेटेड, जो कि आपके 5 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा और 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, यानी जैव संश्लेषण के आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पहला आपको पिरिमिडीन का जैव संश्लेषण कर लेना है, देन इसके बाद प्यूरीन का आपको जैव संश्लेषण कर लेना है, देन आपको कोलेस्ट्रॉल का जैव संश्लेषण कर लेना है, ठीक है। एक्सप्लेन बायोसिंथेसिस ऑफ प्यूरीन पिरिमिडीन एंड कोलेस्ट्रॉल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन इन सेंट्रल डॉगमा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाली नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत मैं आपको सेंट्रल डॉगमा एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन है।
देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इन बायोसिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, यानी जो न्यूक्लियोटाइड्स है इनका आपको जैव संश्लेषण कर लेना है, ठीक है। इसके बाद 6 नंबर का क्वेश्चन है, स्टेरॉइड का जैव संश्लेषण समझाइए, अमीनो एसिड का जैव संश्लेषण समझाइए, देन मेम्ब्रेन लिपिड का जैव संश्लेषण समझाइए। एक क्वेश्चन बनेगा इन तीनों में से 100 and 200%, ठीक है। तो ये जो जैव संश्लेषण है, जैसा कि मैंने आपको बताया यूनिट 4th के अंतर्गत जैव संश्लेषण से आपके 2 क्वेश्चन बने, तो ये आपको 6 से 7 क्वेश्चन कवर कर लेना है यूनिट 4th के अंतर्गत। सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताए हुए, ठीक है। अब हम चलते हैं यूनिट 5th की तरफ, जो कि बहुत छोटी सी यूनिट है आपकी यूनिट 5th। यहां से आपका एक क्वेश्चन बनेगा एंजाइम से, जो कि 5 नंबर का बनेगा। तो ये जो एंजाइम टॉपिक है पूरा का पूरा मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, आई बटन पे आपको लिंक दिख रही है और डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इसकी लिंक प्रोवाइड की हुई है, ठीक है। तो एंजाइम पूरा का पूरा आप कवर कर लीजिएगा, इसके अंतर्गत आने वाले एक भी टॉपिक मत छोड़िएगा। एंजाइम का क्लासिफिकेशन यानी एंजाइम का वर्गीकरण, एंजाइम के टाइप्स यानी प्रकार, एंजाइम की मैकेनिज्म यानी क्रियाविधि, एंजाइम का रेगुलेशन, एंजाइम के कैरेक्टराइटिक्स, एंजाइम के फैक्टर्स यानी कारक विशेषताएं, सारे कुछ आपको कर लेना है। एक वीडियो के अंतर्गत मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट और सेकंड नंबर का क्वेश्चन है आपका काइनेटिक्स एंड कैटेलाइसिस एंजाइम की क्रियाविधि को समझाइए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन थर्ड क्वेश्चन है आपका एंजाइम रिच कंपाउंड्स कौन कौन से होते हैं, एक्सप्लेन कीजिए एंजाइम रिच कंपाउंड्स को। देन इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऊष्मा गतिकी के नियम यानी थर्मोडायनेमिक्स लॉ। तो थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत आपके 3 से 4 लॉ आते हैं, ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम, ऊष्मा गतिकी का द्वितीय नियम, ऊष्मा गतिकी का तृतीय नियम और ऊष्मा गतिकी का शून्य नियम। तो ये 4 नियम आपको कर लेने, और इन चारों में से भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम और ऊष्मा गतिकी का शून्य नियम। तो इन दोनों को आपको अच्छे से कर लेने, इसके अलावा आपको चारों ही नियम देख लेने ऊष्मा गतिकी के। एक आपका ऊष्मा गतिकी से रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा 100%, ठीक है। देन इसके बाद आपका 5th नंबर का क्वेश्चन है, जो आपका मेटेलो एंजाइम है इससे रिलेटेड आपको कर लेना है एक क्वेश्चन, ठीक है। तो जो आपका मेटेलो एंजाइम से, इसका आपको स्ट्रक्चर कर लेना है, इसका आपको फंक्शन कर लेना है और इसकी आपको क्रियाविधि यानी मैकेनिज्म कर लेना, ठीक है। तो ये हुआ आपका मेटेलो एंजाइम से रिलेटेड, जो कि आपका न्यू टॉपिक ऐड किया गया है यूनिट 5th के अंतर्गत। इसके अलावा काफी सारे आपके यूनिट 5th के अंतर्गत आने वाले टॉपिक को हटा दिया है 2024-25 के अंतर्गत, इसलिए बाकी आप जो है वो कोई भी टॉपिक कवर मत कीजिएगा यूनिट 5th के अंतर्गत, ठीक है। मेटेलो एंजाइम जो है वो न्यू टॉपिक आपका ऐड किया गया है, जिसमें आपको स्ट्रक्चर कर लेना है, फंक्शन कर लेना है और मैकेनिज्म कर लेना है। इसके अलावा आपकी जो ऊष्मा गतिकी है थर्मोडायनेमिक्स से, यहाँ से आपका एक लॉ यानी एक नियम पूछा जाएगा। इसके अलावा जो आपके एंजाइम है इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो जो मैंने आपको एंजाइम टॉपिक एक्सप्लेन किया है उसका वीडियो जरूर आप देख लीजिएगा, पूरा का पूरा एंजाइम टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। इसके अलावा जो जो आपके एंजाइम से रिलेटेड न्यू क्वेश्चन बनते हैं उनको भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, जैसे कि सेकंड क्वेश्चन हुआ आपका काइनेटिक्स एंड कैटेलाइसिस एंजाइम, इसको मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया है, ना ही इसकी जो क्रियाविधि है वो मैंने आपको एक्सप्लेन की है। हालांकि इन सभी क्वेश्चन के आंसर आपको जो मैंने आपको टेलीग्राम पर PDF प्रोवाइड किए उसमें मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, जिससे आपको इजीली ये सारे क्वेश्चन के आंसर समझ में आ जाएंगे, ठीक है। सो आशा करती हूँ वीडियो आपको क्लियर हुआ होगा, साइड से जो भी आपको नॉइज आई हो उस सबको इग्नोर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।